लगा, बहुत अच्छा लगा कि बॉम्बे के लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी लोग आए और काफ़ी कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं हमारे ब्रांड्स को, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ना कोई बॉम्बे में आए। कई लोगों ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, कई लोगों ने अपना इनविटेशन दिया कि आप बॉम्बे में आए, हमें बहुत खुशी है, ताकि आगे से आगे और डेवलप करने की इच्छा है कि और बढ़ाए इस काम को, क्योंकि तो लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। वैसे तो बॉम्बे के अंदर जो पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से बॉम्बे फैला हुआ है, तकरीबन 60 से 70 ब्रांचेज हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। यहाँ पे डिफरेंट के अंदर जैसे मोदक के लड्डू हैं, जो हम लोग अभी दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे मोदक के लड्डू, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि गोलगप्पे हैं, वो यहाँ पे डिफरेंट है। हाँ, केवल प्राइस को लेकर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, नहीं प्राइस के लिए भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी एक्चुअल में प्रिपरेशंस जो है वो सारी हाई क्वालिटी मटेरियल से होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मगर लोगों को खाने के बाद वो प्राइस का इतना नहीं लगेगा कि ज़्यादा है, मगर फिर भी लोगों को अगर लगा तो हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें क्या कर पाएंगे। क्या कारण होता है प्राइस हाई होने का? हाइट होने का कारण होता है रॉ मटेरियल। अब लोग देसी घी के नाम पर कुछ भी लगाएं, हम लोग देसी घी ही यूज़ करते हैं। आई नो, तो मैं यहाँ पे बॉम्बे से ही हूँ और मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा तंग करते हैं, सब ससुराल वाले तंग करते हैं कि यहाँ पे आप कब ला रहे हो, तो मैंने अपने फादर को बोला एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट्स ओपन, वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड एंड वी आर होपफुल कि बॉम्बे में भी सबको पसंद आएगा हमारा खाना, जैसे कि दिल्ली में आता है, जैसे पूरे इंडिया में आता है। इसके अलावा और कितने ब्रांच आप खुलवाने वाले हैं अपने फादर से? कोशिश तो है कि पूरे बॉम्बे में ही खोलना है, अभी पूरा सबर्ब्स कवर करना है, टाउन कवर करना है एंड आउटसाइड बॉम्बे भी इवेंचुअली हम लोग जाएंगे। बॉम्बे में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बॉम्बे में जो चीज़ें नहीं मिलती है अब हम उनको देने वाले हैं, जैसे कि राज कचौरी, छोला भटूरा, हालांकि बॉम्बे में मिलता है पर हमारे टेस्ट दिल्ली के जैसा टेस्ट नहीं मिलता है, तो वो हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल चलते चलते, आज क्या स्पेशल डिस्काउंट है? आप लोग के लिए तो सब फ्री है और डिस्काउंट तो नहीं है, बट हाँ कोशिश ये है कि किसी को डिस्काउंट मांगने की जरूरत नहीं पड़े इतना।